नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी हिसार में। भाई आशा करता हूँ आप सभी का जो CET का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। हमने एक उससे पहले क्लास डाली थी भाई, 2 घंटे के आसपास की। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे उसी टाइप से उठाए गए थे। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो देखी थी, मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। भाई जिसने वीडियो देखी थी उसके अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं कि सर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम हो गया, बहुत बढ़िया पेपर हो गया। भाई सारे के सारे जिस टाइप के आपने करवाए थे उसी टाइप आए। ठीक है भाई, आज की क्लास में अपना जो पीछे रहता था भाई प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा था, आप ओडे तो दोबारा कंटिन्यू करांगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी 2 क्लास पूरी लग चुकी हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस के आज आप तीसरी क्लास शुरू करेंगे भाई, और कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में आप इस चैप्टर ने कंप्लीट कर देवा, और इसके बाद आप अगली क्लास में डिस्काउंट शुरू कर देंगे भाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा माना जाता है भाई। डिस्काउंट ना पे वो लगा बट्टा। ठीक है भाई, आज की क्लास ना पे आगे बढ़ा, वहां प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी तीसरी क्लास है भाई। पहला क्वेश्चन है भाई अपना, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि वह 1 किलो के बट्टे के स्थान पर 960 ग्राम के बट्टे का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, उसने क्या बोला कि जिस रेट पे उसने ली उसने उसी रेट पे बेच दी। भाई प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा वो किसके ऊपर होगा भाई, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगा। अगर हमें लाभ हो रहा है तो भी क्रय मूल्य के ऊपर होगा, और हमें हानि हो रही है तो भी किसके ऊपर होगी भाई, क्रय मूल्य के ऊपर होगी। क्योंकि जो मेन मोटिव है ना वो क्या रहता है भाई, क्रय मूल्य, कि हमने कितने में वस्तु को खरीदा है और कितने में हम बेच रहे हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, खरीदने वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा भाई। ठीक है भाई, अपना देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है भाई, अपना अर्थ क्या है क्रय मूल्य पर बेचने का, मतलब जितने रुपये की ली, मान के चलो 10 की ली है तो 10 की बेच दी, 20 की ली है तो 20 की बेच दी, 50 की ली है तो 50 की बेच दी। बस सीधी सी बात यह है, जितने की उसने खरीदी उतने की उसने बेच दी। आपा भाई कि क्रय मूल्य पर बेचता है यदि वह 1 किलो बट्टे के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। देखो 1 किलो किसके बराबर होता है भाई, 1000 ग्राम के बराबर। लेकिन उसने क्या बोला कि जो 1000 ग्राम है ना इसकी जगह वो किसका प्रयोग कर रहा है भाई, 960 ग्राम का। यहां से उसको कितने ग्राम का लाभ होगा भाई, 40 ग्राम का, क्योंकि उसको देंगे कितनी थी भाई, 1000 ग्राम दे कितने रहा भाई, 960 ग्राम। ठीक है भाई, अभी वो 960 दे रहा है, देंगे कितनी थी 1000, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या हो गया भाई, 960 हो गया। 960 पे लाभ कमाएगा, उतना भी कमाएगा, कितना कमा सकता है 1000 तक जाने में, कितना भाई 40 ग्राम का वो लाभ कमा सकता है। हमें क्या निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को अगर हम निकालेंगे, देखो क्या करना है, लाभ कितने का हुआ है 40 का, कितने के ऊपर हुआ है भाई 960 के ऊपर, गुणा में क्या कर देंगे भाई 100 में। पिछली क्लासों में भी आपको बता चुका हूं भाई पहले भी, कि अगर अपन लाभ प्रतिशत निकालना है भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा क्रय मूल्य बटे 100। आप यह चीज पढ़ांगे भाई, ठीक है। उधर भी अपन देखो लाभ कितना कमाओ था भाई, यो अपना क्या था भाई, लाभ था कितने का भाई 40 ग्राम का, कितने ग्राम के ऊपर 960 ग्राम के ऊपर, 100 तक गुणा कर दिया भाई, 0 तक 0 काट दो, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 24 चौके 96, 4 पे काट दो भाई 6, ऊपर आ गया 25, यानी कि 25/6% का वो क्या कमा रहा है भाई, लाभ कमा रहा है 25/6% का लाभ कमा रहा है। अगर हम इसी वैल्यू को खोल के करें फ्रैक्शन में लिख दें, 4 सही 1/6%, 4 6 24 और 1 25%, 25/6% का उसने क्या कमाया भाई, लाभ कमाया है भाई। ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो उसने लाभ क्रय मूल्य में को नहीं कमाया कि वो मन 10 की ली है मैं 20 की बेचूंगा 30 की बेचूंगा, उसने जो लाभ कमाया है ना वो कमाया है कि बस जितने की ली है उतने की दे दूंगा, लेकिन क्या करूंगा कम तोल लूंगा। 1000 की जगह कितना तोल दिया भाई, 960 ग्राम तोल दिया, यानी 40 ग्राम की जो भी चीज थी अपनी वो की कमाया गया, उस चीज का लाभ कमाया गया, बस 40 ग्राम के रुपये फ्री के ले गया। ठीक है भाई, वही उसका क्या है लाभ हुआ है, यानी 25/6%। ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, उसे का उसने लाभ कमाया। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बट्टे के स्थान पर 800 ग्राम के बट्टे का प्रयोग करता है, उसमें उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई इस टाइप का सवाल है ना, मैंने आपकी जो अपनी 2 घंटे की थी
क्लास उसमें भी करवाया था सेम बिल्कुल, और पिछला भी अपना ऐसा ही है भाई। सीधी सी बात है, देखो टोटल कितना है भाई, 1 kg कितने ग्राम हो गया, 1 kg में 1000 ग्राम, बेच कितना रहा है भाई 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम, 1000 ग्राम बेचना था कितना देने लग रहा है, 800 ग्राम देने रहा है, लाभ कितना का लेने लग रहा है भाई, 200 ग्राम का उसका क्या है भाई, वो लाभ है भाई, लाभ कितना है भाई 200 ग्राम का उसने लाभ कमा लिया भाई, किस चीज पे, कि मैं मन जितने की लेगी मैं उतने की बेचूंगा, लेकिन 1000 की जगह कितना तोल लूंगा भाई, मैं 800 ग्राम तोल लूंगा भाई, किलो की जगह पर 800 ग्राम तोल लूंगा, इस बात पर, इस पर कितना लाभ हो गया भाई 200 ग्राम का, जो चीज आपने सेम करी थी वह पहला करी थी कर देंगे भाई, लाभ कमाने लग रहा है बेईमान दुकानदार है भाई वो, ठीक है। यह बात याद रखोगे, दुकानदार जो कम की जगह सॉरी ज्यादा की जगह कम तोल देगा वो क्या है भाई, बेईमान दुकानदार, वो भी एक बेईमान दुकानदार है भाई, ठीक है। देखो लाभ कितना का होया भाई, 200 का कितने के ऊपर होया भाई, 800 के ऊपर गुणा में अपन 100, 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 2500 का 100 अपना आ गया भाई 25% लाभ, 25% का उसने क्या कमाया है भाई, लाभ कमाया है। जमा लल्लू है, एक सेकंड का क्वेश्चन है भाई, चुटकी बजाने क्वेश्चन होने वाला है, बस सीधी सी बात है, अंतर देखो अंतर कितना है, उसके बाद लाभ देखो अपना लाभ कितना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्रय मूल्य उरापन बेरा गुणा कितना है ना, नूर क्रय मूल्य अपन 100 मानना है, बस बात यह है 800 ग्राम देने लग रहे हैं, लाभ कितना कमावा 200 का, सीधी सी बात है यहाँ, तो 800 अपना क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि इसे पता अपना लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया था भाई 200 का, ठीक है भाई, बिल्कुल लल्लू तल्लू टाइप है, 25% यानी ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है भाई। आशा करूं देखो ग्रुप डी में भी जमा लल्लू तल्लू सवाल भी थे भाई, जोड़ घटा गुणा भाग के, अथवा ठीक लेवल का भी था भाई, तो ग्रुप डी में जो अप्रोक्स है भाई, जो मेरा मानना है भाई, जर्नल की लिस्ट लगभग 70 क्वेश्चन वाला बच्चा भाई, और SC का लगभग 60 वाला भाई, OBC वगैरह बच गए 65 के आसपास, EWS भी 65 के आसपास भाई, यह लिस्ट रहनी है भाई, क्योंकि पेपर ठीक था भाई, NTA ने बढ़िया पेपर बनाया रखा था, हरियाणा में पहली बार ऐसा होया है कि जो चीज जितने नंबर की बोल दी उतने नंबर की आई है, नहीं पहला तो क्यों करता हरियाणा जी क्यों आनी है 25 की केवरा 1% पाओ भाई, ठीक है। अब की बार ये था पहली बार कि जितने नंबर की बोल दिया भाई, साइंस 15 की तो साइंस 15, मैथ 15 तो मतलब मैथ 15, हरियाणा जी के 25 तो मतलब 25, ठीक है, रीजनिंग 10 तो मतलब 10, इंग्लिश 10, हिंदी 10, बिल्कुल नेट गिन के कर रखा था भाई, पूरा का पूरा बढ़िया शेड्यूल कर रखा था NTA ने, और हरियाणा सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी थी भाई, रोडवेज की बिल्कुल फ्री में बड़का थी सेंटर पर पहुंचाने की, ठीक है। चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन करें, पे एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है, वह इसके स्थान पर 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई जो अपनी पिछली टाइप थी ना, यू है सेम उसे टाइप का, लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, क्या बदल गया, लाभ भी कमावा है और कम भी तोल रहा है, ठीक है। एक तो आ गया थोड़ा बेईमान, यू है ना बेईमान, बेईमान ना बेईमान, ठीक है भाई, क्यों कम भी ले, कम भी तोल लूंगा और लाभ भी लूंगा भाई, बोल के करेगा ये तो भाई, था ठड्डा मारा है और रोन भी कुंदे हुए। देखो शुरू में इसने शुद्ध लाभ कितना कमाया भाई, 10% का कमाया भाई, कह के कि वह 10% का लाभ मैं लेऊंगा, उसके बाद इसके साथ वह 20% कम भी तोलता है, 20% कम भी तोल रहा है भाई, ठीक है। देखो माना अपना वही भाई, माना क्रय मूल्य कह लो भाई, चाहे कितना हो गया भाई 100, 20% कम भी तोल लगा भाई, 20 कम तोल दिया, कितना देगा भाई 80% देगा, ठीक है भाई। अच्छा 20% वो भी तो लाभ भी होगा भाई, टोटल लाभ कितना हो गया भाई, कितना हो गया 30% का लाभ हो गया टोटल, कितने के ऊपर 80 के ऊपर, 80 के ऊपर कितना लाभ कमा रहा है भाई वो 30% का, आपने क्या बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 80/30 का लाभ कमाने लग रहा। देखो ये अपनी लाभ है, ये अपना क्रय मूल्य है, कटना की है भाई, लाभ प्रतिशत सेम पहले जाए पर गाज मान लल्लू तल्लू 30/80 लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुना
सौ, 20 चौके 80, 20 पंजा 100, 2 पे 15 दूनी 30, और 2 15 पंजे 75/2% का लाभ कमाया है भाई। कितना? 75/2% का लाभ कमाया है। या आप इति कैश कहाँ भाई 37.5%, या फिर आप इति कैश कहाँ भाई 37 सही 1/2%, कुछ भी कह लो भाई, 37.5 का यानी कि 75/2% का लाभ कमाया है। देखो यो पक्का बेईमान दुकानदार था, अब इसने क्या करा, अब क्वेश्चन ने ध्यान पढ़ो, एक दुकानदार चावल को 10% लाभ पर, लाभ भी कमा लिया इसने तो, और उसके बाद क्या गया, इसके साथ वह 20% कम भी तो लाभ, लाभ तो लेंगे लेंगा लेकिन मैं चीज भी थोड़ी देऊंगा भाई, ठीक है, इसने दोनों काम करे हैं। तो आपने कर दिया भाई लाभ शुरू में इतना कमाया भाई 10-20% लाभ किस तक कमाया भाई, जो कम तोलन लग रहा है उसका भाई, वो भी तो उसका लाभ भी हुआ है, क्यों कम तोलन लग रहा है, ग्राहक ने तो कम दे हुए हैं तो वो भी उसका लाभ हो गया, ठीक है भाई। 10% सीधा लाभ, 20% कम तोल दिया, टोटल लाभ कितना हो गया 30 हो गया भाई, 20% कम तोल दिया अपना क्रय मूल्य क्या हो गया भाई 80 हो गया, क्योंकि 20 तो लाभ के खा गया, वो क्रय मूल्य का अपना कितना हो गया भाई 80, लाभ टोटल कितना हो गया था 30, 30/80 × 100, क्योंकि 30 ऐड क्यों लिया भाई, ये अपना क्या था भाई लाभ, ये अपना क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है भाई, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 आ गया अपना 75/2% भाई, ठीक है भाई। करें अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और वह 24% कम तोलता है। देखो पछलम अपन के पटा भाई लाभ भी लेने लग रहा है, कम भी तोलने लग रहा, मतलब दोहरा लाभ हो गया। ईब के बाबा नहीं बेच दूंगा, मैंने कहा चलो 20 की ली थी 15 ही बेच दूंगा भाई, कोई बात नहीं लेकिन कम चीज दूंगा। एक बात बताओ, कम चीज देगा तो लाभ भी तो ले होगा, लाभ भी ले होगा। देखो शुरू में इसने क्या कहा, अपनी वस्तु को 5% हानि पर, शुरू में इसने किसका जिक्र करा भाई, हानि कितनी का भाई 5% का, ठीक है, ये आप लिखा है कम तोलता है भाई, कम कितना तोलता है भाई, एक बात बताओ 24% कम तोल रहे, ठीक है भाई, तो अपना माना क्रय मूल्य ले लो या कुछ भी आप मेंस को इसने भाई माना क्रय मूल्य, पहले ही बात मैंने आपकी पहले ही बताई थी भाई कि आप कदे भी एक सूक्ष्म नहीं मानोगे भाई, आप सिर्फ कोई भी वेरिएंट लोगे अपना 100 है, न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे 100 है भाई, 24% कम को तोल रहा है भाई, 24 कम तोल दिया कितना बच गया भाई 76 बच गया, यानी अपनी सही वैल्यू शुद्ध वैल्यू की है भाई 76 की, 76 के ऊपर कमाओगा वो जितना भी लाभ कमाओगा या हानि होगी जो भी उसको होगा, ठीक है भाई। अब देखो 5% की हानि थी, 24% कम तोल रहा है तो ये इनडायरेक्टली के है भाई, लाभ है भाई, 24 का लाभ होने लग रहा है, 5 की हानि होने लग रही है। देखो लाभ लाभ होगा जब क्यों जाकर जुड़ेंगे, और तो एक लाभ है और एक हानि, तो क्यों हो जाएंगे भाई आपस में घटेंगे, 24 में तो 5 घटाओ कितना आ गया भाई 19% के है भाई, यो लाभ हुआ, लाभ क्यों, क्योंकि देखो लाभ ज्यादा था भाई हानि कम थी, लाभ गणा है हानि थोड़ी है, जाते है अपना क्यों होगा 19% का लाभ कमा लिया उसने, ये अपन बताना के है भाई 76/19 रुपया लाभ कमा लिया, सीधी सी बात है, या बताना उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत भाई, शुद्ध लाभ प्रतिशत उसकी कितना होगा, कर दो भाई लाभ अपना यो क्रय मूल्य अपना वो है 19/76 × 100, 19 × 1 = 19, 19 × 4 = 76, 4 × 1 = 4, 25 × 100 अपना आ गया भाई 25%, 25% यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा भाई। जमा देख लो लल्लू तो लल्लू, बढ़िया तो बढ़िया तरीका था करने लग रहे हैं, आसान तो आसान, सिर्फ 2 या 3 लाइन में अपना जवाब है कि आप एक पास हो जाए, ठीक है, सारे के सारे बालक इस चीज का ध्यान दोगे, हानि और लाभ है, हानि और लाभ है तो क्या होगा भाई आप घटावांगे, क्योंकि लाभ ज्यादा हानि कम है, बहुत तो हानि कर दी कोई बात नहीं लेकिन कम भी तो, लेकिन लाभ भी तो कमाने लग रहा है, यह चीज भी आप नोट करांगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी दुकानदार हो कदे देव है ज्यादा ज्यादा तो कदे देवे को नहीं, वो आपका पूरा 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 कर देगा बैस कि हाँ ठीक है भाई, अरे तो कम तोलन लग रहे हैं तो पक्के बेईमान है, ठीक है भाई। करा पे अपना अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, वह इसके स्थान पर, इसके साथ 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, तो इसमें दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई
शुरू में जो शुद्ध लाभ उसने कमाया, कह के कि मेरा लाभ कितना लेऊंगा मैं, तो 15% का लेऊंगा। इसके साथ वह 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। देखो टोटल 1 केजी था भाई, 1 किलो के स्थान पर उसने कितना तोला, 920, यानी सीधी सी की बात है भाई, 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम तोला, 1000 ग्राम के ऊपर उसने कितना तोल दिया भाई, 920 ग्राम तोल दिया। और अपना 10 ग्राम जो है वो कितने के बराबर होगा भाई, जो अपना 10 ग्राम होगा वो कितने के बराबर होगा, 1% के बराबर, क्योंकि 10 × 100 ग्राम लीजिए तो अपना 1000 आओगा। ठीक है भाई, यो 100 के बराबर हुआ है, यो किसके बराबर है भाई, 92 के बराबर, यानी उरत भी लाभ कितना कमा लिया भाई, यहां से भी लाभ कितना कमाया भाई, 8% का। 8% का मतलब समझो, देखो 1000 देना था भाई, कितना देने लग रहा है, 920 देने लग रहा, 1000 देना था 920 दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा इसने, कम तोल दिया भाई, कितना कम, 80 ग्राम कम। 80 ग्राम कम का मतलब क्या, 8% लाभ, क्योंकि देखो 10 ग्राम में कितना हो भाई, 1%, ठीक है, और 100 ग्राम में 10% होगा अपना भाई, तो 8% का और लाभ कमा लिया। 15 का पहले होने लगा था, 8 का बाद में हो गया, ठीक है भाई। अपना क्या था, वह दोबारा मानो क्रय मूल्य 100 था भाई, 8 का लाभ कमा लिया, 8 माइनस कर दो, कितने कमा लिया भाई, 92 पे, ठीक है भाई, 92 के ऊपर वो लाभ कमाने लग रहा, कितने का, 15 तो पहले था प्लस 8 के कर लिया उसने, कम तोल का कमा लिया, टोटल कितना हो गया, 23% का उसका लाभ हो गया, 8 बाद में कम तोल के, 15% पहले कह के कि हाँ मैं 15% लाभ कमाऊंगा, 8 का बाद में कम तोल दिया उसने भाई, ठीक है भाई, टोटल लाभ हो गया 23 का, कितने के ऊपर, 92 के ऊपर भाई, काट लो लाभ प्रतिशत, 23/92×100, 23 × 1=23, 23 × 24=4=25, क्या आ गया भाई अपना, 25% का क्या करे है, लाभ होया भाई, कितने का, 25% का उसको लाभ हो गया भाई, ठीक है, 25% का लाभ, यानी कि अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है, 25% का उसने लाभ कमाया भाई। आसान आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जमान लल्लू लल्लू है, बस थोड़ा सा देखो, एक टाइप थी अपनी सारी की सारी टाइप जरूरी होंगी, सर वाली टाइप थी, फिर थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी अच्छी, बस सारा का सारा मिक्सर है वही, ठीक है, क्यों होने लग रहा है भाई, एक टाइप का हो गया, एक पॉइंट और ऐड कर दिया उसमें, फिर अगले दोनों कंबाइन होगी, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर दिया, फिर एक पॉइंट और ऐड कर दिया भाई। अपन देखो पिछला 50 दोनों हम क्यों था, एक बार आनी हुई थी शुरू में, फिर लाभ कमा लिया कम तोल के, ये शुरू में भी लाभ कमाओ और बाद में कम तोल के, मैंने कहा कि हाँ भाई लाभ लेऊंगा मैं तो, ठीक है भाई। अगला अपना भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, इसके साथ वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के बट्टे का प्रयोग करता है, तो उसमें इसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखो वास्तविक लाभ ही फिर बताना, अपन नराय लाभ कमाने लग रहा, सीधी फतूर मचा दिया थी, तो भाई देखो शुद्ध लाभ जो अपना स्टार्टिंग में जो लाभ कहा इसने कितना है भाई, वो 20% के बराबर है भाई, लाभ कितना अपना भाई 20%। उसके बाद सुनोगे क्या, 1 किलो के स्थान पर कितना भाई 900 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर कितना तोल दिया भाई 900 ग्राम उसने तोल दिया। देखो 1 किलो का मतलब मैंने आपने बताया था, ये कितना हुआ भाई 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब अपना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देने लगे रहा भाई वो 900 ग्राम। और आपने इबे पिछले क्वेश्चन में एक बात पढ़ी थी कि 10 ग्राम का मतलब क्या हो भाई 1%, और 100 ग्राम का मतलब क्या हो भाई 10%, यानी उर्त भी कितना लाभ कमा लिया भाई 10% का लाभ उर्त भी कमा लिया भाई, ठीक है भाई, 10% का लाभ कमाया है किसके ऊपर, 90 के ऊपर। देखो माना वही क्रय मूल्य अपना भाई, माना क्रय मूल्य बराबर 100, लाभ कितना कमा लिया भाई 10 का बच गया कितना भाई 90 भाई, 90 के ऊपर 10 का लाभ कमा लिया कम दे के, और 20 का लाभ कमा लिया सीधा कह के भाई कि मैं तो 20% लाभ और लेऊंगा, तो 20+10 बराबर कितना हो गया भाई 30 का लाभ कमाने लग रहा है टोटल, किसके ऊपर 90 के ऊपर लगाया, जो अपना वो तरीका फिर 30/90 गुणा
सौ, 30 एकम 30, 30 तिया 90, अपना आ गया भाई 100/3%। या फिर आप इसकी एक और चीज कह दिया करना भाई, 33 सही 1/3% भाई, यानी कि 100 का तीसरा हिस्सा, जितने की वह चीज थी उसका तीसरा हिस्सा ओके करने लग रहा है भाई, लाभ कमाने लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, 100/3%। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अभी अपना अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। एक व्यक्ति 10 किलो सेब 450 रुपए में खरीदता है, उसमें से 1 किलो सेब खराब हो जाते हैं। अगर वह कुल पर 20% लाभ कमाना चाहता हो तो वह शेष मात्रा को किस रेट पर बेचेगा। देखो भाई यो क्वेश्चन का खतरा अपनी एक बढ़िया है, सोटरी गो जमाए गणी जमा गणी आसान भाई, क्योंकि आपने देखो सीधा सी बात है कि कहना भाई विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात करेगा, विक्रय मूल्य की बात क्यों करने लग रहा है वो, क्योंकि आपने ले तो लिए चीज, अरीब के करना हमें बेचनी बस सेल करनी है, लेकिन क्या होना चाहिए लाभ भी होना चाहिए, और उसमें कुछ एक चीज की होली अपनी खराब होली भाई, ये अपन क्या करना उसके ऊपर लाभ कमाना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ/100। वैल्यू टेक दो भाई, क्रय मूल्य अपना कितना था 450 गुणा 100 प्लस लाभ, देखो 100 अपना कुल था भाई लाभ, और कितना है 20, 120/100। 0 से इस 0 से ये 0 कट गई भाई, 45 की 12 तो करोगे भाई होगा 540, कितना होगा भाई 540 रुपया वो बेचेगा, 540 रुपया वो कितनी बेचेगा भाई, 9 वस्तु बेचेगा वो। ठीक है भाई, क्योंकि आपने देखो 540 क्यों आया, अगर मैं ले लूँ भाई 45, ठीक है तो किसका था भाई एक वस्तु का, मैंने सारी की सारी टोटल का काट दिया भाई, जो 9 अपनी वस्तु बच रही उनका भाई, कितनी वस्तुओं का काट दिया भाई 9 की 9 वस्तुओं का, देखो 540 नहीं 9 तो भाग कर लो, 9 6 54 अपना कितना आ गया 60 रुपये, एक वस्तु का कितने रुपया बेचेगा भाई 60 रुपया बेचेगा। ठीक है भाई, कितने रुपया बेचेगा 60 रुपया, आप पूरे इस एक वस्तु का क्रय मूल्य धर के भी कर सको भाई, अगर आप पूरे सिंगल वस्तु का क्रय मूल्य धरोगे तो अपना 9 तो डिवाइड को नहीं करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सको, सारी की सारी वस्तु आया था बस 450 में खरीदी लेकिन बेची क्या, मैं 540 में 20% लाभ खातर, और एक वैल्यू काटोगे आप तो 45 के लेके कितने की बेचेगा भाई 60 रुपया की बेचेगा भाई। ठीक है भाई, करें अगला भाई, अगला भाई देखो, एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं, एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं, वह 4 गायों को क्रम से 4%, 3%, 2% व 5% लाभ पर बेचता है, वह शेष गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 7% का लाभ हो। इतना लल्लू टाइप का क्वेश्चन है भाई, बस देखने देखने में घना बड़ा लागा है, क्योंकि कोई भी वेरियंट को दे रखा, इतना आसान है। देखो गाय कितनी है भाई 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसी शॉर्ट ट्रिक बताया दूंगा, इसकी तो हमने कोई बताने नहीं पाओगा, पहली पे कहेगा लाभ कमाया भाई 4 का, दूसरी पे भाई 3% का, अगली पे 2% का, और अगली पे भाई 5% का, ये बात का क्या कहने लग रहा है वो कि भाई इतना बताओ आखिरी वाली कितना लाभ कमाओगे, कुल लाभ कितना हो जाए भाई 7% का लाभ हो जाए। ठीक है भाई, देखो इसने तो 7 चाहिए चाहिए भाई, इसमें तो आपने 7 जोड़ना है, सैरानी ने 7-7 बनाया, जो 4 में कितना जोड़ा भाई 3%, इसमें भाई 4%, इसमें 5%, और इसमें भाई अपना 2%, सैरान जोड़ के लिख दो अपना उत्तर आएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21% के जवाब आ गया अपना भाई 21% के लाभ पर उसको लास्ट वाली को बेचना होगा, यानी कि वो अपना कितना लाभ कर ले 7% का लाभ कर ले हर एक गाय के ऊपर, देख लो भाई एक लाइन का क्वेश्चन है जमा आसान बिल्कुल लल्लू टाइप का। ठीक है, लास्ट वाली ने कैम बेचेगा भाई 21% में, ठीक है 5 गाय थी वह सरिया 7-7 हो गया, समझ गया बिल्कुल आसान तरीका अपना, यो तरीका पे एवरेज चैप्टर में भी कराएंगे आगे। ठीक है चलो करते हैं अगला भाई, 21% यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना सही जवाब होगा भाई। चलो अगला, एक व्यक्ति के पास 5 पेन है, पहले पर 5% की हानि, दूसरे पर 2% का लाभ, और तीसरे को 8% लाभ पर बेचता है, चौथे को 30% लाभ पर बेचता है, अंतिम पेन को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 5% का लाभ हो।
कितने पेन है भाई, पांच व्हाइट ट्रिक अपनी फिर अपना दो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांच पेन हमें पहला बकी हुआ, 5% की हानि होगी। ठीक है, यानी कि अपना क्या है भाई, माइनस का 5% है भाई। अगला आपके को है 2% का लाभ हो गया भाई, 2% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, अगला आपके को है भाई कितनी, 8% लाभ पर भाई, 8% का लाभ हो गया भाई। ठीक है, अगला भाई 3% का लाभ है भाई। देखो लास्ट वाला आपके को है कुल का 5% का लाभ कमाना भाई, आखिर में क्या कर दो भाई, पांच तो है इवन ने सहरान क्या कर दो, पांच बनाओ। देखो ये पांच कम था भाई, पांच और जुड़ेगा, पहले तो पांच और जुड़ के क्या होगा, जीरो होगा, और उसके बाद पांच और अपन ऐड करना पड़ा। देन इसमें कितने ऐड करेंगे भाई, 10%, इसमें भाई 3%, इसमें तीन काट जाएंगे भाई क्योंकि वो गुणा है, माइनस का 3% और प्लस का 2%, जोड़ो भाई। देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गई, 10 2 12 और 5 17, 10 2 12 और 5 17, यानी कि लास्ट पेन को उसको 17% के लाभ पर बेचना होगा ताकि उसको सभी के सभी पेनों में 5% का लाभ हो जाए। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अब इस चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग की तरफ है भाई। अपना क्वेश्चन अगला, एक दुकानदार 5200 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, वह वस्तु का 2/3 भाग 6% भाग पर 6% लाभ पर बेच देता है, शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल उसे 12% का लाभ हो। ठीक है भाई, देखो सबसे पहला अपन क्या करना, वस्तु कितनी है भाई, तीन, तीन वस्तु अपन कुकर बेरा बैठा भाई, क्योंकि देखो वस्तु आके गो 2/3 का मतलब तो क्या है भाई, टोटल वस्तु तीन है लेकिन उसने दो के कर दिया, बेच दी भाई 2/3 बेच दिया, तो टोटल वस्तु तीन है और उसने बेच कितनी दी भाई, दो बेच दी। देखो दो आप कितना कितना लाभ कमाया, 6% का भाई, पहली पर भी 6% और दूसरी पर भी 6%, उसके बाद उसने क्या किया, शेष वस्तु को वह कितने प्रतिशत पर बेचे कि कुल लाभ उसे 12% का प्राप्त हो। देखो भाई उरा तो 12% चाहिए चाहिए, इसने 6 उरा भी चाहिएगा फिर, और 6 उरा भी चाहिएगा, 12 का 6 और 18, 12 6 18 और 6 24, सॉरी भाई 6 6 12 और 12 24 हो गया ना। लास्ट वस्तु उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी पड़ेगी भाई, 24% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल लल्लू टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, 24% पर लास्ट वाली चीज बेचनी होगी ताकि उसने क्या हो जाए 12% का पूरा लाभ प्राप्त हो जाए भाई। ठीक है, करते हैं अगला भाई, बिल्कुल अपना चैप्टर एंडिंग की तरफ है, शायद एक दो सवाल और होगा। एक दुकानदार 8000 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, वह किताबों का 1/4 भाग 20% की हानि पर बेच देता है, शेष किताबों को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल उसे 10% का लाभ हो। पहला क्या करने लग रहा भाई, 20% की हानि पर बेचने लग रहा। देखो किताब कितनी है, कुछ किताबें और 1/4 भाग बेच दे, 1/4 का मतलब मैंने आपकी अभी बताया था भाई, 1/4 का मतलब क्या भाई, ये होता है अपना टोटल, और ये होता है भाई जितना हमने बेच दिया सेल कर दिया वो चीज होती है। ठीक है, अब इसने 4 थी अपने पास टोटल, देखो 1 2 3 और 4, 1/4 भाग यानी एक चीज को कितने कर दिया, 20% की हानि पर बेच दिया भाई, या क्यों इसका है भाई हानि। ठीक है भाई, यानी कि माइनस का है, किस चीज का भाई, माइनस का। अगली तीन बताना भाई कितना लाभ कमाना है, इसकी 10% का लाभ कमाता हो, 10% का क्या कमाता हो भाई, लाभ कमाता हो। देखो इसमें अपन प्लस 10% करना पड़ा भाई, क्योंकि अपन इनका और तो कुछ पता है को नहीं, इसमें ही प्लस 10 करना पड़ेगा भाई। इसलिए आप मान लेंगे x1 x2 और x3, लास्ट वाला भाई 10% का। इविया देखो भाई पहला उलझ गया, 20% की हानि होने लग रही है, करना क्या है भाई, लाभ कमाना है, 20% क्या नहीं है, पहले तो इसमें 20 जोड़ के आप क्या करेंगे कि कंप्लीट अपनी जो भी वैल्यू थी आप उस तक लेके आवेंगे, और उसके बाद आप क्या करना है लाभ की तरफ बढ़ना, पहले तो क्रय मूल्य पूरा करेंगे भाई, अपना पहले तो जो घाटा होने लग रहा है वो पूरा करेंगे, फिर सोचेंगे लाभ की, तो अपने पहला क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे भाई, फिर लाभ दौरान खतर फिर कितना जोड़ेंगे भाई, 10 जोड़ेंगे, नहीं टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें भाई, 30%। देखो 30 10 40 10 50 और 10 60, कितना आ गया अपना भाई,
60%, लेकिन वो 60% दूर अपना जवाब गुन भाई, क्यों? क्योंकि उसने वस्तु कितनी बेची है, तीन बेची है भाई। एक वस्तु बेचेगा तो 60, 50, 55, 52, 72 जो भी आ हुआ अपना जवाब होगा, उर क्यों होगा भाई? तीन वस्तु हमें डिवाइड करना अपन है, यानी कि 60 है ना, जो 60 को भाग कर दो तीन से, क्यों? क्योंकि भाई देखो ये अपनी तीन ने संख्या थी भाई, तीन अलग अलग वस्तु थी भाई, इनने भी तीन अलग अलग किताब है अपनी, कि इनने भी बेच के लाभ कमाओगा, ठीक है? कि मेरा भाई एक पर कम कमा लिया और ज्यादा कमा लिया, लेकिन आप तो औसतन काटेंगे ना भाई, तीनों आगा नहीं दे रखा तो सबका सेम, तीन एक कम तीन कट गया 20 पर भाई, कितना आ गया 20%, प्रत्येक को कितने पर बेचेगा भाई? 20% के लाभ पर बेचना होगा, ठीक है? वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल उसे 10% का लाभ हो? हर किताब को वह 20% के लाभ पर बेचेगा भाई, ठीक है भाई? बिल्कुल आसान था, आसान लल्लू तलल्लू क्वेश्चन थे, लो ग्रेड का क्वेश्चन है यार। चलो भाई आगे, अगर राम जागा भाई, ठीक है, बुढ़े का विलाग आगे के विलाग राम जागा है, राम ने बेरा गगा तो आगा, राम ने बेरा था, क्लास पूरी होगी आज की, और क्लास पूरी होने के साथ आपका भाई प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी कंप्लीट हो लिया है, मेरी तरफ तो आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। किसी ने अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में आपकी प्रॉब्लम डेल्स का है भाई, या फिर अगर उसने ऑफलाइन समझने का जिक्र है तो वो ऑफलाइन भी अपने इंस्टीट्यूट पे आके समझ सके भाई। वंदे मातरम अकेडमी हिसार, ऋषि नगर, गली नंबर 1, बंसल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर पे अपनी अकेडमी है भाई। किसी भी टाइम 24 आवर अवेलेबल रहो अकेडमी के भीतर, किसी भी टाइम आके पूछ सके, ठीक है? आपने चैप्टर मेरी तरफ से तो मैंने बहुत बढ़िया करवाया है, बाकी आप अपने कमेंट में बताइयो कि आपने किसा के लग गया है। सारे के सारे भाई एक तो चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो तो तारा के में घट दागुन भाई, ठीक है? मैं तारा के में इनकी मैं अच्छा करने लग रहा हूँ, तमने करवाने लग रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो तम भी मेरा सारा ला दोगे में, ठीक है? सारे के सारे भाई चैनल ने धूम धड़ाका तो शेयर कर दो बिल्कुल, आगे फिर आप ऐसी जिड्डी आने लग रहे, ऐसी जिड्डी में अपन एक तरफा माहौल बनाना है, ठीक है? चलो आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आप चैप्टर लेके आओगे अपना बट्टा डिस्काउंट, ठीक है? आज तो अपन सिर्फ नाम नाम सुना है बट्टे का, बट्टा एक और भी होगा कदे कर, क्या बट्टा लाए दो पढ़ना है, ठीक है? बट्टा डिस्काउंट ने बोल लिया कर यहाँ पे, उसके बारे में अपन पढ़ना है, ठीक है भाई? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।